राज सिंह यू प्लीज स्टार्ट यू इग्नोर एंड स्टार्ट उपाध्यक्ष महोदय बहुत ही गंभीर मुद्दे पर इस सदन में चर्चा हुई है स्टेटमेंट नहीं नो रिप्लाई इट इज रिप्लाई टू डिस्कशन नो स्टेटमेंट रिप्लाई टू डिस्कशन और जिस गंभीर मुद्दे पर चर्चा हुई है और जिसका उत्तर देने के लिए मैं इस सदन में खड़ा हुआ हूं वह मुद्दा है फ्लड सिचुएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सबसे गंभीर स्थिति यदि कहीं की है तो तमिलनाडु के चेन्नई की है और मैं कह सकता हूं कि फ्लड सिचुएशन इन चेन्नई इज वेरी अलार्मिंग वेरी क्रिटिकल। यह स्थिति है यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जैसी फ्लड सिचुएशन इस समय चेन्नई की है चेन्नई पूरी तरह से एक आइलैंड बन गया है ऐसी हालत हो गई है और इतने गंभीर विषय पर इस सदन में चर्चा हुई है और लगभग 28 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं सभी सदस्यों के क्या विचार रहे हैं उसको मैं स्वयं तो उपस्थित नहीं था लेकिन मैंने बहुत ही ब्रीफली उसको देखा है और सबने बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां की गंभीर स्थिति को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज प्रातःकाल ही फैसला किया कि मैं चेन्नई जाऊंगा और 12 बजे वह चेन्नई के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और पुडुचेरी भी जाएंगे और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश भी जाएंगे यह जानकारी प्राप्त हुई है। मैं जो चर्चा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए मैं तमिलनाडु की जो आज की स्थिति है उसके संबंध में सदन को अवगत कराऊंगा और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की क्या स्थिति है उसके बारे में भी मैं सदन को अवगत कराऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रवेश 28 अक्टूबर 2015 को हुआ है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के फॉर्मेशन के कारण कडलोर चेन्नई त्रिवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में 8 नवंबर 2015 से भारी बारिश हुई है। साथ ही तमिलनाडु राज्य के अन्य जिलों और आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में भी भारी बारिश के कारण काफी क्षति हुई है। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉर्मलसी के पश्चात पिछले 2-3 दिनों से पुनः बारिश प्रारंभ हो गई है। दिनांक 1-2-2015 के 8:30 बजे से दिनांक 2-12-15 के 8:30 बजे तक 24 घंटों में कुल 330 मिलीमीटर बारिश हुई है। इन 24 घंटों में बारिश चेन्नई में पूरे दिसंबर माह में होने वाली वर्षा 252 मिलीमीटर से अधिक हुई है। इस बरसात ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इससे चेन्नई में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। इस बरसात से चंबरकम रिजर्वायर में सेफ्टी से अधिक पानी होने की वजह से बांध के 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह पानी अड्यार नदी में आने से उसका जल स्तर और बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में चेन्नई में बरसात कम हुई है परंतु नागपट्टनम से कडलोर तक 45 मिलीमीटर से 133 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगले 2-3 दिनों में भी मौसम विभाग ने हैवी रेनफॉल यानी 100 मिलीमीटर प्रतिदिन की औसत बरसात की संभावना व्यक्त की है। प्रभावित इलाके में लगातार बरसात हो रही है, बरसात का सिलसिला जारी है और रास्ते भी प्रभावित हैं। चेन्नई को जोड़ने वाली चाहे नेशनल हाईवे हो अथवा स्टेट हाईवे हो सभी पूरी तरह से बंद हो गए हैं, इसलिए राहत पहुंचाना इस समय बहुत ही कठिन हो गया है। यह कठिनाई टेलीफोन कनेक्टिविटी भी इसके कारण एडवर्सली अफेक्ट हुई है। अनुमान है कि 40% मोबाइल और 20% लैंडलाइन कनेक्शन काम नहीं कर रहे हैं। पानी की अधिक मात्रा को देखते हुए कई स्थानों पर बिजली का कनेक्शन भी काटना पड़ा है। इन स्थानों को छोड़कर तमिलनाडु सरकार ने पावर की कमी अभी तक नहीं बताई है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार इस सीजन में तमिलनाडु में 269 ह्यूमन लॉस, पुदुचेरी में 2 और आंध्र प्रदेश में 54 यह संख्या बताई गई है जिसमें कि लोगों की मृत्यु हुई। केंद्र सरकार आपत्ति की इस घड़ी में राज्य सरकारों को हर संभव सहायता दे रही है। एनडीआरएफ की 28 टीमें जिसमें 944 पर्सनल्स हैं विद 102 बोट्स
एवं आर्मी के टू कॉलम्स 124 पर्सनल वो तमिलनाडु में रिलीफ एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाए गए। अभी तक राज्य सरकार एवं एनडीआरएफ की टीमों द्वारा 40,432 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की दो टीमें जिसमें 70 पर्सनल्स हैं विद 8 बोट्स पुदुचेरी में डिप्लॉय की गई है। एनडीआरएफ की 6 टीमें जिसमें 211 पर्सनल विद 21 बोट्स को आंध्र प्रदेश में रिलीफ एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया गया है। एनडीआरएफ द्वारा 11,291 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आर्मी के 7 कॉलम्स जिसके अंतर्गत 434 पर्सनल्स आते हैं को रिलीफ एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया जा चुका है। 4 अतिरिक्त कॉलम्स आज हैदराबाद से एयरलिफ्ट किए जाएंगे। हमारा आज शाम तक दिल्ली से 4 और कॉलम्स को एयरलिफ्ट करने का प्रयास चल रहा है। नेवी की 12 नावें और 255 पर्सनल डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इसके अलावा INS अरिहंत 20 डाइवर्स 3 नावें 1 मेडिकल टीम व 1 हेलीकॉप्टर लेकर वायक से रवाना कर दी गई है और अब तक यह चेन्नई पहुंच गई होंगी। भारतीय एयरफोर्स ने इस पूरी कार्रवाई में पूरा योगदान दिया है। एनडीआरएफ की 14 टीमें कल एयरलिफ्ट की गई हैं। आज आर्मी के 2 कॉलम्स एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा 19 सॉर्टी कर 22 लोगों को बचाया गया है और 800 के लगभग फ्लड पैकेट्स भी वितरित किए गए हैं। कल तक 37 ट्रेन निरस्त की जा चुकी हैं। आज प्रातः बेसिन ब्रिज यार्ड में 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है जिससे चेन्नई स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। ट्रेनों को चेन्नई के नज़दीक कहां तक लाया जा सकता है यह योजना आज रेलवे विभाग बनाएगा। चेन्नई एयरपोर्ट पर स्टैंडर्ड 1500 में से 1200 पैसेंजर्स को रोड से इवैक्यूएट किया गया है। शेष बचे 300 पैसेंजर्स को आज इवैक्यूएट करने का प्रयास जारी है। 24 अक्टूबर 2015 को तमिलनाडु राज्य सरकार से 8,481 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए मेमोरेंडम हमें प्राप्त हो गया है। भारत सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने 25 से 29 नवंबर 2015 तक राज्य का भ्रमण करके क्या क्षति हुई है इसका असेसमेंट किया है। 1 सप्ताह के भीतर यह टीम अपनी रिपोर्ट भेज देगी जिस पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी विचार करने के बाद हाई लेवल कमेटी के समक्ष आएगा जिसका चेयरमैन स्वयं मैं हूँ और उस पर हाई लेवल कमेटी अंततोगत तो आप फाइनल डिसीजन लेगी। उपाध्यक्ष महोदय मैं यह बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु को केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 940.42 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अंतर्गत 552 करोड़ स्पेशल प्लान असिस्टेंस के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के अंतर्गत FDRF कोष से द्वितीय किस्त के रूप में 133.795 करोड़ रुपए भी 23 नवंबर 2015 को जारी कर दिए गए। पिछले सप्ताह मैंने स्वयं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और वहां के मुख्य सचिव दोनों से बात की थी और स्थिति का जायजा लिया था और अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी से बात कर स्थिति की जानकारी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त मैंने पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री से भी बात की है और वहाँ के हालात के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है और उनसे यह भी मैंने जानने की कोशिश की है कि किस प्रकार का असिस्टेंस आपको अभी और आवश्यक है, किस प्रकार की सहायता और अधिक केंद्र सरकार के द्वारा चाहिए, वह भी जानकारी हासिल की है और कुछ सहायता उनको मुहैया कराई भी गई है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रबाबू नायडू जी से भी हमारी बात हुई है और उनसे भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है। बातचीत करने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से 1000 करोड़ रुपए का एक इंटरिम मेमोरेंडम हमको प्राप्त हुआ है। नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही भारत सरकार की एक टीम आंध्र प्रदेश जाएगी। सेंट्रल टीम जल्दी से जल्दी हम भेजेंगे 1-2-3 दिन के अंदर ताकि वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 330 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त
वर्ष 2014-15 के सूखे से निपटने के लिए भी वर्ष 2015-16 में 181.63 करोड़ रुपए भी एफडीआरएफ से आंध्र प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उड़ीसा के लिए वर्ष 2015-16 के अंतर्गत, मैं यहां पर उड़ीसा की चर्चा भी इसलिए कर रहा हूं कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि उड़ीसा के संबंध में भी यहां पर चर्चा हुई है। उड़ीसा के लिए वर्ष 2015-16 के अंतर्गत 280 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं उड़ीसा को। और यह जो उड़ीसा की चर्चा कर रहा हूं, जो वहां पर फैलिन थी उसके कारण जो क्षति हुई है, इस कारण जो है मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। उड़ीसा को 399.83 करोड़ एफडीआरएफ से 2014-15 व 2015-16 हेतु एफडीआरएफ से व्यय करने हेतु जल्दी ही अनुमति दी जा रही है, और मैं समझता हूं कि एक दो दिन तीन दिन के अंदर ही वह अनुमति मिल जाएगी। पश्चिमी बंगाल ने वर्ष 2015-16 में एफडीआरएफ के अंतर्गत 10,705 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। पश्चिमी बंगाल हमने इसमें सेंट्रल टीम भेजी थी और इस टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर धनराशि जारी करने के बारे में कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष हमने लगभग 387 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता पश्चिमी बंगाल को प्रदान कर दी। मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, केंद्र सरकार मौजूदा हालात पर नजर रखे हुए है और राज्यों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। माननीय प्रधानमंत्री भी आज चेन्नई में व्यक्तिगत रूप से जाकर रिलीफ एवं रेस्क्यू ऑपरेशन की व समीक्षा कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में हम प्रभावित राज्य से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने को तत्पर हैं, और इस दुखद प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं एवं वहां के समस्त नागरिकों के प्रति हृदय की गहराइयों से अपने सहानुभूति की अभिव्यक्ति करते हैं। और अंत में मैं पुनः अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे देश का कोई भी राज्य हो, यदि संकट की घड़ी में होगा तो केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ उन राज्यों के साथ खड़ी रहेगी। ओके एंडोर्स व्हाट द होम मिनिस्टर सेड। We completely endorse what the Home Minister said when it comes to giving relief to Chennai. Our thoughts, our prayers, may they also give to Tamil Nadu and Chennai. Be very, very generous in this hour of need. Sir, the one point we have to make, sir. 100 days ago, this central team was sent to Bengal, was a huge calamity. The number of deaths was low because the preparedness was high. The question is, as the Home Minister himself has said in his statement, what is this arbitrary way of giving out funds? 10,700 crores, we have received 300 crores in Bengal. Sir, are we begging for funds? Sir, are we begging for funds? Sir, Tamil Nadu must be taken care of now. Give everything to Tamil Nadu now. Give everything to Andhra Pradesh now. But what about Bengal? The central team comes, sir. Why is Bengal deprived? This is a calamity in Bengal, sir, which happened. Moment. Sir, I am sorry to say, one point, sir. I am sorry to say, we have written to the Prime Minister, sir, we are with Chennai. Sir, we are with Tamil Nadu. People are dying there, but do not. Okay. Sir, one second. You made your point. Sir, please, sir. Chennai and Tamil Nadu is the need of the hour, but do not forget for 100 days. Okay, fine. Kanimari. We are compelled with a heavy heart. Agreed. With a heavy heart, we are compelled to walk out in protest, yes, about the Srimati funds that are not being given to Bengal, sir. I will call you. Time. I will give you time. Kanimari. I call Kanimari. This is not good. Sit down. I will give you time. Sit down. I call Kanimari. Then don't talk. No. I call Kanimari. She is the initiator of the discussion. If she has clarification, I have to ask her. You sit down. I will allow you. Srimati Kanimari. Yes. Yes, I will come to you. Srimati Kanimari. Yeah. Yes.
Sir, thank the minister for giving us a clear picture about what the government has done. But I'd like to know that he has mentioned that 12 boats of the Navy and one medical team has been sent. Sir, taking into consideration the seriousness of the issue and the entire city is underwater and the places are completely underwater and lakhs and lakhs of people are stranded, marooned. I really like to ask the minister whether 12 boats of the Navy and 20 divers and one medical team, because we are all worried that waterborne diseases and epidemics will be breaking out. So we need a lot of medical help. We need medicines. We need doctors. We need medical assistance from the central government to start preparing for what is going to come. This is not, once the crisis is over, it's not going to end. Once the water recedes, there will be a lot of other issues which have to be attended to. This is not going to be enough. Okay. Even at this moment, it is not enough, okay, sir. And I'd like to really bring it to the attention of the minister that what are they planning to do? What are the other things they're trying to reach to the people? And I'd like to also know that he also in his speech has said that there's going to be more rains for another two or three more days. So, what is the preparedness for that? Like, till now, the help has come, but it has come a little late. But I would like to know, there is going to be continuous rains, and what is the central government planning to do? Are they going to reach more help? And I'd like to also find out that there was a meeting of the National Crisis Management Committee yesterday. I'd like to know what are the major decisions taken in that. And is the government, because a lot of media houses and citizens are trying to use the social media to reach out to people, is the government also taking that into consideration, and are they trying to use the social media to reach out to people? Because there are people who are prepared to help, but they don't know. And there are people who live close by who need help. So is the government also considering taking their help and making this becoming a part of the social media group? Which, one more thing I'd like to ask is, sir, the we all know that the telecom service providers have cut off services, and that was the only way of communication between people and to find out and get help also. So what are their plans and how are they going to make sure that this disruption is going to be overcome? Right. Thank you. Sri Navaneet Krishna. Thank you, Honorable Deputy Chairman. I thank the Honorable Home Minister for having made this statement. But considering the huge damage caused to Chennai and Tamil Nadu, the amount so far released is very, very meager. I humbly request the central government, as demanded by Honorable Chief Minister Amma, immediate requirement of rupees 2000 may be immediately released, because that is a request made in the memorandum dated 23/11/2015. Subsequently, more damage has been caused to Chennai and other parts of the Tamil Nadu. So the more infrastructure in the form of medicine, boats, and whatever required by the people of Tamil Nadu, it must be immediately provided for. Sri Ramesh. This is our humble request. Okay. I hope. Sri Ramesh. Yes. Thank you. Given the statement. Sir, thank you for giving the statement of Home Minister. My Chief Minister has spoken to Home Minister last 10 days back, and all we MPs, Member of Parliament from Andhra Pradesh, also met and given the representative to the Home Minister. He assured on that day he is sending the teams immediately. Till now, teams has not reached the Andhra Pradesh. Again, rains has been started in Andhra Pradesh. I request the Honorable Home Minister, send the teams immediately. Then only they can see live there, and also they can give good report. And we requested 3,800 crores last week. Again, rains has been started. Immediately, the 1,000 crores of Chief Minister has been written a letter. That has to be released immediately. And tomorrow, after Prime Minister coming back also, what is the situation? What is the going to help these states? We request the Prime Minister also to give the statement in the House. Okay, Sri Bhupendra Singh. To Chairman, sir. Thank you, sir. Sir, specifically, sir, the
that the Honorable Minister, Home Minister, has already replied, sir, on this. I would like to request one thing, sir, here, that as he mentioned that the team has gone to Tamil Nadu, whether the team has gone to Puducherry, and also a team has gone to Andhra Pradesh or not. And sir, I have requested for a national, it should be declared as a national calamity. Sir, to remind you, through in 1999, when Odisha had faced such a disaster, a cyclone and such a disaster of the century, at that time, the NDA government do not accept that it should be a national disaster. It is a national calamity. But sir, in 2001, sir, there is a serious thing. All of us were concerned that the NDA government did a good thing, that in Ahmedabad, when there was an earthquake, immediately the government of the day then declared it as a national calamity. And all the income tax payee of this country had to pay 1% of that fund, all the income tax payee for the Ahmedabad cause. Similarly, sir, past is past. Our filing fund, I thank the Home Minister, he has written a letter to our Chief Minister, Honorable Naveen Patnaik ji, in September 27. Ask your clarification. Sir, it is September 27, sir. September 27, 2014, for 399.83 crores is already sanctioned. But till now have not received. Now that okay. And Finance Minister but here also promised. Not received, yes. Sir, by what day this fund will reach there, yeah. And whether government of the day will declare Tamil Nadu case and Puducherry as a national yes. calamity. Shridi Raja. And similarly, as it was Shridi declared Raja. By the NDA government for Ahmedabad in Gujarat. Thank Shridi you, Raja. Sir. No flood in Kerala. D. Raja. Kerala sir. Is having shortage of rain. Sir, so, Minister, sir, at the outset, I appreciate the Prime Minister's visit to Tamil Nadu. It's a good gesture at this point of time when people are passing through unimaginable, unprecedented sufferings. Prime Minister has agreed to go and he has gone. It is a good sign. I appreciate that. Secondly, I appreciate your report. It gives a comprehensive view on the damages and on the efforts made by central government and state government. Having said this, I must tell you, sir, Chennai city is totally cut off and people cannot move out of Chennai. This must be taken note. So you have deployed army, only 124 personnel or 200 personnel. Do you think this number of personnel is adequate for Chennai or for Tamil Nadu? I am asking you, sir, as Home Minister. Now, in fact, both governments, in consultation with state government, coordination with state government, the East Coast Road must be repaired without any delay. And that goes via Puducherry to Rameshwaram, that East Coast Road. And then people can move out of Chennai. And Bangalore National Highways should be repaired immediately. So you will have to make way for people to get out of that distress, because water will have to recede and water will have to be removed. And till that time, what people will do? So the connectivity, road connectivity is very important. And airport, now you are operating from Arakkonam, some 70 kilometers from Chennai. But even I don't think that airport has capacity. And you will have to give priority to clear the water in Chennai airport. Then, sir, listen to me, sir. We'll discuss later. No, the Home Minister should listen. Bhupendra, that's what I'm saying. Bhupendra Singh, you made your point, then why do you... And Navy also. Navy, the 12 boats... I don't think 12 boats enough. You also think over for such a gigantic damage and problem. Do you think the 12 boats enough? Or that personnel, Navy personnel enough? And here at center level, you must review that. You must send more army, deploy more Navy. And this is an important thing. Finally. Sir, drinking water has become a problem. Safe drinking water to the people. And food. Because people cannot cook food.
these two, how you will manage to deliver safe drinking water, food, okay, that you will have to do with Sri the Salem state government. Sri Sir, communication system. Yes, yes, that is already Sir, said. Only clarification, not speech. This communication system. No, that is already said. Tamil Nadu state government has don't repeat asked for 2,000 plus crore of money as interim relief. Interim. That's what I am saying. You okay. did not say I am saying no, interim relief. And the central government should not take time okay. to this is deliver that money. Otherwise, state government will have a problem and they will face okay. handicap. So, you release the money sir. As early as possible. Okay, that's fine. After prime Sreelam. Ministers come back, your sir, clarification you will only. Have to review the no, whole need. Situation, sir. Okay, central Raja, please. Needs to be sent once yeah. again to assess the damage this clarification. You make it a speech. Rain and flood. Yes, Sreelam, only ask clarification. Don't make I a speech. I totally agree with my colleagues from Tamil Nadu. We all pray God to see that further damage is minimized, and we appreciate the Honorable Home Minister's statement. I would only would like to make two comments, sir. Now, at this very critical juncture, linking it to state disaster relief fund will be very unfair, sir, because they should immediately release the request of money as per the request of the concerned state governments, because if you get into these statistics, it will be taking long time. So I would urge not only releasing immediate relief of 2,000 crores to Tamil Nadu, and also the medical aspect, the communication, the food, the drinking water. Sir, boats, you can have, you said Vizag. Vizag has so much navy power. I think more and more navy can be immediately deployed. And sir, there is a, I read in the newspaper, the army has a standby airport at Vellore. There is a possibility of using that to remove, to transport the evacuate the people stranded there, sir. And also, about the Andhra Pradesh, I would like to request you, see sir, the SDRF, they have given 330 crores and 181, the Honorable Minister said. But the immediate interim request made by the Chief Minister is 1,000 crores. We urge the Government of India to release 1,000 crores. And unfortunately, sir, it was a promise. 1 week, 10 days back, when the representatives from Andhra Pradesh met the Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister, the team was supposed to be sent immediately. Even now, the Honorable Home Minister said it will be sent in a day or two. Sir, I would request okay. a categorical reply all from right. the Honorable Vijay, Home Minister. Is immediately, is he willing to send the team to assess the damage? Because assessing is one, okay. releasing one, That's and all. Without any condition, 1,000 crores as requested by... मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. Only clarification. Everybody is making a speech. जिन्होंने बहुत ही संवेदना के साथ में तमिलनाडु को पूरी सपोर्ट और सिंपैथीज दी हैं. Sir, I fully support and appreciate Honorable Home Minister's statement about Tamil Nadu, but I would like to have a clarification on a small matter, but a big impact. Is the government thinking to restore the communication systems immediately? What are the government's plan? Because even to avail of any emergency help, any medical help, you have to have the mobile phones working there. I appreciate the telecommunication minister, Shri Ravishankar Prasad's gesture that for 1 week they have given it free. But what about the private operators? They make huge money, huge profit. Will the government would also ask them to give free communication for at least, not for 1 week, for at least 15 days. And also to give the instruction to the airlines. Sir, we have seen in the last cloudburst in Ladakh, the private airlines had increased their airfare astronomically in that hour of distress. Will the government of India will also ask the private operators and private airlines and Indian Air India that their airfare should remain static
and okay. they should not be increasing in these hours. Okay. And secondly, can they give also some discount no, on but airfare don't repeat, to the Tamil people? Don't repeat any question, new question. Ask. What is already asked, don't repeat. Okay, okay. Honorable Deputy Chairman, sir. Honorable Home Minister delivering a statement, sir. He has mentioned only the four districts of Tamil Nadu, Chennai, Kanchipuram, Thiruvallur and Kudalur. I would make a suggestion before the Honorable Home Minister. Within 7 days, the southern part of district of Tuticorin, which is mostly affected, this may be included in the list. Thank you very much. Sukandar Roy. Whereas the central government has sanctioned 300 crore plus. Now the clarification that I would like to have from the Honorable Home Minister, whether that 300 crore has been given as an interim relief or it has disposed the financial claim from the state government of 11,000 crore. Because for the past 100 days, the matter is pending and the Honorable Chief Minister of West Bengal is sending letters after letters to the central government without any result. Therefore, I would request the Honorable Home Ministers to clarify this position. Shri Tiruchi Shiva. Sir, the only consoling news now that is the Prime Minister has gone over there. That's a good sign. But sir, the statement or the reply of the minister gave us only information which we already know. I would like to know whether the Home Minister is updated with the prevailing situation. When everyone is insisting that the communication connectivity has to be restored, but we have to keep in mind there is no electricity in Tamil Nadu. Nowhere in Tamil Nadu. So people are stranded. They don't have even candles. They don't have anything. So what you are going to do immediately? And second, sir, the rescue operations are fine, but the rescue force is not adequate. This damage is so bad that it is not proportionate. So also yesterday also I suggested that they have been starving for the past 3 days without food and water. What have you done in that respect? Children are deprived of getting milk. When you supply food packets, kindly give milk powders also that will enable the children to survive. These are the very, very important okay. things that to be undertaken immediately. Okay. And only your army can construct temporary bridges to release the people from caught between okay. two shores. Sir. Thank you. That should also be directed by the Home Minister. Tyagi ji, no flood in Bihar. Why do you want? Sir, okay. Bihar all right, put a question, put a clarification only. Sir, main jo Gruh Mantri Mohoday ne jo jankariyan di hain Tamil Nadu aur dusre sthanon ke bare mein, unki jo chinta hai wahan ki, usse main sambandh karte hue kehna chahta hoon. और कल मैंने सवाल भी उठाया था और गृहमंत्री महोदय के पास उसका होगा. जो यूएन की डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी है उसने काफ़ी दिन पहले हिंदुस्तान को दुनिया का दूसरे नंबर का भूकंप का भी प्राकृतिक आपदाओं का भी जंगलों में आग लगने का भी समुद्री खतरों का भी सबसे बड़ा केंद्र माना है. 7000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा जो कोस्टल एरिया है वहाँ कभी भी इस तरह की त्रासदी हो सकती है ऐसा उन्होंने पहले से सचेत किया हुआ है. मैं सरकार के सारे प्रयासों की तारीफ करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि फ्यूचर में भी इस तरह के काम होंगे. ये कोई अकेला नहीं है और कितनी ही इलाके अर्थक्वेक प्रोन माने गए हैं, कितने ही जंगल देश में ऐसे माने गए हैं जहाँ कभी भी आग लग सकती है. तो मेरा गृहमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस क्षेत्र में आज जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है लेकिन काफ़ी पहले से नहीं हुआ सर. ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो है जब मंत्री महोदय बस आधा मिनट में जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उसके अंडर में उस समय सेल थी. अब ये होम मिनिस्ट्री में आया है अच्छा काम हो रहा है. मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन मेरा कहना है जिस तरह के खतरे अर्थक्वेक के साइक्लोन के और जंगल में आग लगने के एग्जिस्ट कर रहे हैं आज भी तो भविष्य के मामले को ध्यान में रखते हुए सरकार के किस तरह के इंतजाम हैं क्या योजना है उसको भी गृहमंत्री महोदय ध्यान में रख करके कोई दूरदर्शी दूरगामी योजना बनाएंगे ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूं. श्री ऑनरेबल एलओपी, ऑनरेबल एलओपी. सर मिसेस कनीमोरी ने कल बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं. तमिलनाडु में डीएमके का लीडर कहेगा कि हम एआईडीएमके के सरकार के इस समय में साथ हैं, मैं बहुत बधाई देता हूं एआईडीएमके की सोच को. और यही सोच नेशनल लेवल पे भी बनी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज यहां सदन में
तमिलनाडु के साथ खड़े हैं इस वक्त और आंध्र प्रदेश के भी उन साथियों के साथ। सर, जब भी ऐसी कोई आपदा आती है, सुपर साइक्लोन होता है, साइक्लोन होता है, भूकंप होता है, कश्मीर जैसी घटना हो जाती है, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबसे ज़्यादा काम करता है। उसके लिए हमें हमेशा उनकी सराहना करना पड़ती है। कश्मीर के अंदर भी जिस तरह से एयरफोर्स ने और आर्मी ने काम किया वो हमेशा याद रहेगा। लेकिन मैं गृह मंत्री जी से सुन रहा था कि किस तरह से 12 नेवल बोट्स, जाहिर है ये छोटी बोट्स नहीं है, बड़ी बोट्स हैं, और कुछ सैकड़ों आर्मी पर्सनल। सर, इतना तो लगता है कि किसी गली में अगर बाढ़ आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए। हम एक तरफ से इसको बहुत बड़ी आपदा बोलते हैं, पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, तो मेरा निवेदन होगा, मेरा सरकार से निवेदन होगा कि जितनी भी नेवी की ज़रूरत पड़ेगी, एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, वो दे दें। क्योंकि ये लोकेशन कश्मीर जैसी नहीं है कि जहां हम बोट्स कहां से लाएं, नेवी कहां से लाएं, ये तो बिल्कुल कोस्टल एरिया है, केरला है, आंध्रा है, सब जगह से लाई जाती। दूर जाएं तो उड़ीसा और बंगाल तक चले जाते हैं, लेकिन नेबरिंग स्टेट से ये तमाम चीज़ें पर्याप्त हो सकती हैं। तो एक मेरी, जैसे कनिमोर जी ने बताया कि इनकी संख्या बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। दूसरा, AIDMK के लीडर जो यहाँ हाउस में उन्होंने उठाया है, ये मैं अनुभव के आधार पर कहता हूँ, कश्मीर के अंदर भी जब 110 साल के बाद पिछले साल सितंबर अगस्त में फ्लड आया, तो हम उस वक्त पैसे मांगते थे, सरकार की तरफ से यही कहा जाता था, जैसे आज तमिलनाडु को कहा जाता है हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो पैसे लेने में हमको 1 साल और 1 महीना लगा, 13 महीने। तो आज अगर ये लीडर मांगते हैं, मुख्यमंत्री मांगती है 9,000 करोड़, तो सिर्फ 900 करोड़ दिए जाते हैं, तो इनने फिलहाल 2,000 करोड़ जो मांगे हैं, कम से कम वो 2,000 करोड़ तो दिए जाएं। तो ये मेरी आपसे मांग है। और दूसरी सलाह के तौर पर, तजुर्बे के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि कश्मीर में जब फ्लड था तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, सभी काम में लगी थी रेस्क्यू ऑपरेशन। हम अपनी छोटी से काम जितना सहायता कर सकते थे, उससे हटकर मैंने एक और काम किया, क्योंकि कुछ महीने ही मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ा था, तो वो अपने ऊपर मैंने जिम्मेदारी ली। मैंने उस वक़्त कर्नाटका के और हैदराबाद के जिन डॉक्टर्स को मैं जानता था, उनकी तकरीबन 30 टीमें श्रीनगर में बुलाई, दवाइयां भी बुलाई, तो वो स्टेट गवर्नमेंट पर बोझ नहीं पड़ा, क्योंकि सब स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पानी में डूबे हुए थे। तो इस तरह के 30 कैंप्स लगाए और उसमें तकरीबन 50-60 हज़ार लोग OPD में रोज़ आते थे। तो मेरा आपसे सुझाव यह है कि जब इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में लगी है, तो इस तरह साथ में नेबरिंग 3 स्टेट्स हैं, आंध्रा, कर्नाटका और केरला, देश के 50% मेडिकल कॉलेजेस इन्हीं 4 राज्यों में हैं, तमिलनाडु को लेकर। इसलिए बीच में अगर किसी की आप ड्यूटी लगाएं कि अगले 2-3 दिनों तक, जब तक पानी कम होता है, डॉक्टर्स की टीमें और दवाइयां तैयार रखें, और जो ही पानी रिसीड हो जाए तो ये डॉक्टर्स नेबरिंग स्टेट से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटक से और केरला से तुरंत पहुंच जाएं और वहां कैंप लगाएं, क्योंकि लोकल डॉक्टरों को अभी बहुत टाइम लगेगा उनके हॉस्पिटल देखने में, इक्विपमेंट देखने में, कितना सड़ा होगा, कितना बह गया होगा, तो ये आपको मदद मिल सकती है। ये मेरा सुझाव, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक नाउ मिनिस्टर मैत्रीया ने, इट्स ओवर ओवर। देयर इज नो फ्लड इन बिहार। ओके सभापति जी, नो केरला, दुखद घड़ी में हम सब लोग
तमिलनाडु और चेन्नई के लोग के साथ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से बस एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं, मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं। जो आज इन्होंने अनाउंस किया कि कहीं 200 करोड़ कहीं 300 करोड़, मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि ये इससे अलग पैकेज दिया जाएगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये डिजास्टर के लिए हर साल पैसे ही दिए जाते हैं, ये आपदा के लिए पैसे नहीं दे रहे मेरे ख्याल से, जो मैं मेरी जानकारी है। ये पैसे तमिलनाडु को वैसे भी मिलते अगर वहाँ आपदा नहीं आती, उसके अलग जो चेन्नई के, आंध्र प्रदेश के या बंगाल या उत्तर प्रदेश के जो लोग मांगते हैं उसके अलग, क्योंकि मुझे मेरी जानकारी के से जो मुझे पता चला है, आंध्र प्रदेश से जो 1.5 साल पहले आपदा आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था सर, वो पैसा आज तक नहीं मिला है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ कि क्या वो पैसा मिलेगा उन लोगों को, कि पैकेज प्रधानमंत्री जी घोषणा करके आते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि दैविक आपदा का पैसा तो वैसे ही मिलने वाला है, चाहे आए चाहे ना आए, वो तो हर साल उस स्टेट की अधिकार है। उसके अलावा पैकेज में क्या पैसा दे रहे हैं ये बताएं मंत्री जी। द रिक्वेस्ट ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर 8,000 crores एज इनिशियल एस्टिमेट एंड इंटरिम रिलीफ ऑफ 2,000 crores एंड द सैंक्शनिंग बाई दिस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ 934 crores वॉज डेटेड 24th November, दैट वॉज फॉर द फर्स्ट स्पेल। From 30th November till now, this is unprecedented second spell. So you have to take into account this spell and the damage caused by this. So that 934 is now a closed chapter, sir. Now you have to take into account the present crisis, which is unprecedented, and you have to evaluate for that and announce interim relief more for this now again, sir. That's enough. Yeah. You express solidarity with Tamil Nadu, that's enough. Sir, एक बताएं। Express solidarity with Tamil Nadu, that's enough. प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या इंतजाम थे और उसमें से कितने कारगर सिद्ध हुए। ऐसे ही केंद्र सरकार ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो उपाय किए हों उनमें से कितने कारगर सिद्ध हुए और आगे सरकार क्या करने वाली है। That's enough. Now why there is no standard in Chennai, railway station trains are not flying. So no. How to rescue these people? There is no telephone. Yesterday night only. No, that is already said. Balgobar, all so those points have been raised. That is the issue, sir. What is there? Sir, because Kerala and Tamil Nadu, we are, that is the issue, sir. I am not saying anything. What the government is doing, how they will be escaped? We parents are, yesterday night, Navodaya students, 100 students. With teachers, nobody knows where they are. Then I consult them. There is no telephone because of no electricity. They will get food. But these kind of hundreds of people are there, sir. So how the government, how the military, how the police, how the central government forces will help them? How, that is the issue, sir. Okay. That these kind of all issues, right. How the, what they now, are going to see, do, see, this is clarification. Is it, no, is it that every member who has not participated is to ask clarification? How can we extend like that? No, see, clarification is for those who participated. Okay, still I was liberal. Have you participated? Have you participated? Sir, excuse me, I did not participate, then, but then, my notice no. was there. And then, you said... Then why? It is not time to speak. Sir, I will not speak. Just a minute clarification. Half a minute, sir. 25 seconds. Sir, main sirf ek baat keh raha hu, sir, aap se bahut vinamrata se. मैं माननीय गृहमंत्री जी से एक स्पष्टीकरण अनुरोध चाहता हूं, उनको याद दिलाते हुए कि उत्तर प्रदेश में भी वाई उत्तर प्रदेश नो मेरी बात ऑन दिस इशू नो तमिलनाडु दिस कैन नॉट बी डन लाइक दिस करते हुए व्हाई डू यू ब्रिंग उत्तर प्रदेश नाउ उत्तर प्रदेश में अभी नहीं पूरा हुआ जो मिनिस्टर ने नॉट रिप्लाई ऑन उत्तर प्रदेश यू वांट टू आस्क तमिलनाडु ऐसा ही करें तमिलनाडु यस ओनली वन क्वेश्चन सर हां एक्चुअली द National Disaster Management Authority was created for the purpose of preventive measures also. 1 month before, NASA from America has given a report that the Chennai will be submerged. Historically, it had not happened like that. That will be submerged. That was the report of the NASA. Have you taken any preventive action and prepare the state government and also the local corporation to have the preparatory work? How much money the government of India has spent for that purpose? Okay, that's right. Now, Mr. Minister. Now, why so many? No, how can I allow? Okay.
what it meant, it was there in the scroll. They mentioned us, this rains was due to the northwest monsoon which had hit the Tamil Nadu and especially in Chennai. Actually it was northeast monsoon. Okay. And the whole day in during the deliberations, right, in the Rajya Sabha television, we found that it was only due to the northwest, yeah, monsoon. Okay. And another thing, we also need immediately choppers for dropping food packets, drinking water and medicines. Okay, okay. So we need additional choppers and we also, okay, require, right, now, full modernized boats for evacuation of people from one, yeah, place to another. Thank you, sir. Are you already spoke? What do you want? What? See, you already spoke. Now, Seelam, you already... Now, what Seelam says will not go on record. You already spoke, already clarified. What is... Suggestion. Rajesh Shukla, there is no flood in... I would like to make for the benefit of the Home Minister, which he can suggest to the state government. Sir, in most of these metropolitan cities, it has been observed that if there are heavy rains, there is massive water logging in the city. The reason being the sewage system in all these metropolitan cities is very redundant, correct, completely redundant. That is very Mumbai correct. Also, yes, we face the same thing. Yes. So we can always advise the state government, yeah, that the sewage system should be very good. Be that's very re-looked good. Now, Honorable Home Minister. Home Minister. Upadhyaksh Mohode. Mere dwara jo discussion ki reply ki gayi hai, us sambandh mein मिस्टर डेरेक ओब्रायन, मिस कनीमोजी, श्री रंगम, श्री सी एन रमेश, भूपेंद्र सिंह, डी राजा, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, तरुण विजय, मिस्टर शीलम, मिस्टर मधुकर, मिस्टर सुखेंद्र शेखर वेस्ट बंगाल और त्रिचुशुआ, मिस्टर त्रिचुशुआ, त्रिचुशुआ, ओके चलेगा, मिस्टर आर सी त्यागी, श्री नीरज कुमार, डॉक्टर मैत्रेय, विजय गोयल, बाल श्री बाल गोपाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री नचिप्पा और श्री राजू शुक्ला, इतने सारे सम्मानित सदस्यों ने क्लैरिफिकेशन सीख किया है, लेकिन पहले सदस्य जिन्होंने की क्लैरिफिकेशन सीख किया है, मिस्टर डेरेक के प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल में भारत सरकार की टीम ने विजिट कर लिया है और शीघ्र ही उसकी रिपोर्ट हमको प्राप्त हो जाएगी और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हाई लेवल कमेटी की बैठक करने के बाद इस संबंध में अंतिम फैसला कर दिया जाएगा। पश्चिमी बंगाल में टीम विजिट का काम पूरा कर ली है, यह मैंने पहले ही बताया और सूचना अभी पूरी प्राप्त हम लोगों को नहीं हुई है, इसी कारण उस पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। मैं तमिलनाडु के बारे में यहां चर्चा करना चाहूंगा। लोगों ने कहा कि जो कुछ भी केंद्र सरकार के द्वारा अब तक मदद की गई है वह अपर्याप्त है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकार भी अपने स्तर पर जितना अधिकतम प्रयत्न हो सकता है वह राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और लेटेस्ट जो अभी अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, कल तक की हमारे पास जो सूचना थी, मैं यह सदन को बतलाना चाहता हूँ, जो डैमेज के बारे में जानकारी वहां से प्राप्त हुई है, द स्टेट हैज रिसीव एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 570.4 मिलीमीटर अगेंस्ट द सीजन एवरेज नॉर्मल ऑफ 440.4 मिलीमीटर विच हैज ए डिपार्चर ऑफ 58%। 2,677 हेड्स ऑफ कैटल हैव बीन लॉस्ट थ्रू आउट द स्टेट। डैमेज ऑफ 1,09,604 हट्स हैज बीन एसेस्ड सो फार। 4,327 रिलीफ सेंटर्स हैव बीन ओपेंड। 9,39,000 पर्सन्स हैव बीन एकोमोडेटेड इन द रिलीफ सेंटर्स। 300 बोट्स हैव बीन मोबिलाइज्ड। 44,50,247 food packets have been distributed. 21,908 medical camps have been conducted. 17,50,253 persons were treated in these camps. 1,451 animal husbandry camps have been conducted
and 1,50,369 animals have been treated. 9 columns of army, 27 NDRF teams. और मैं ये बतलाना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, हर NDRF की टीम में 5 बोट्स कम से कम होती हैं. तो 27 NDRF टीम, 200 नेवी पर्सनल्स, 4 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम इंडियन फोर्स एयरफोर्स एंड 2 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द कोस्ट गार्ड हैव बीन डिप्लॉयड फॉर रिलीफ ऑपरेशंस. वैसे आगे भी हम लोगों ने राज्य सरकार को यह आश्वस्त किया है कि यदि वहां पर किसी प्रकार के मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी, वहां पर मेडिसिन पहुंचाना होगा, वहां फूड पैकेट्स पहुंचाने होंगे, यह सब सारा सिलसिला केंद्र सरकार के द्वारा भी चल रहा है. लेकिन आगे जो भी आवश्यकता होगी वह केंद्र सरकार वह उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है. यह मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं अपनी इस बात को पुनः मैं यहां पर दोहरा रहा हूं. और मैं सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसी तेजी के साथ वहां पर वर्षा हो रही है और जैसे हालात तमिलनाडु में चेन्नई में पैदा हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदया, यदि वहां पर पीने के पानी का संकट होगा तो हमको यहां से, यदि हमको एयर सर्विसेज का सहारा लेना होगा तो एयर सर्विसेज का सहारा लेंगे. हम चेन्नई में पानी भी पहुंचाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर की भी व्यवस्था करेंगे. बराबर वहां की सिचुएशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, हम लोगों की नज़र है उस पर और मैं समझता हूं कि सभी सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त रहना चाहिए. और वैसे क्लैरिफिकेशंस बहुत सारे हैं कि ये अब से नीरज कुमार ने एक प्रश्न पूछा कि साहब ये जो FDRF का पैसा दिया गया है तो उनका अधिकार होता है, पैसा ले लिया. ऐसा नहीं, अधिकार जितना राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है, जनता का पैसा है. मैं नहीं मानता हूं कि किसी का अधिकार है, लेकिन इतना मैं जरूर बतलाना चाहता हूं कि जो रेवेन्यू का शेयर होता है, रेवेन्यू का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है तो उसका शेयर डिसाइडेड है कि स्टेट गवर्नमेंट का इतना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना होगा. लेकिन जहां तक FDRF का, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड का जहां तक प्रश्न है, 75% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का होता है. इस हकीकत को हमको समझना चाहिए. और केंद्र सरकार भी यदि कोई सहायता उपलब्ध कराती है तो मैं समझता हूं राज्यों के ऊपर एहसान नहीं करती है, हम इसको एहसान नहीं मानते. यह केंद्र सरकार का धर्म है, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, यह केंद्र सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करती है, हम उसको करते हैं. और अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि जब कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति पैदा होती है, कोई ऐसा संकट यदि गंभीर यदि पैदा होता है कहीं पर, तो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, मैं मानता हूं कि संवेदनशील हैं हमारे सारे जनप्रतिनिधि, तो उस आपदा की स्थिति को देखकर, संकट की स्थिति को देखकर वह भी विचलित होते हैं. और मैंने देखा है कभी कभी अपने राज्य की स्थिति के संबंध में जानकारी देते हुए उनके अंदर एक आक्रोश, एक नाराजगी हमको देखने को मिलती है. तो उसे अन्यथा किसी को नहीं लेना चाहिए, यह उनके दिल का दर्द है जिसकी वह अभिव्यक्ति यहां पर वह करते हैं. और सहायता का जहां तक प्रश्न है, जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार चाहे जितनी भी सहायता क्यों न मुहैया करा दे, मैं समझता हूं कि उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है, मैं यह मानता हूं. लेकिन ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहना चाहता हूं, आजाद साहब ने कुछ बात कही थी, आजाद साहब वो मैंने नोट किया था कहीं, मेडिकल टीम भी काम कर रही है, मैंने आपको इसकी बोट्स कम नहीं है, नेवी की बोट्स की गणना मैंने इसमें नहीं की है. इंडियन नेवी की जो बोट्स लगी हैं उनकी जानकारी अभी लेटेस्ट हमको अभी नहीं प्राप्त हुई है, पहले की जो जानकारी थी वो मैंने बताया है. देर से पैसा मिलने का जहां तक प्रश्न है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय लग जाए, लेकिन आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, मैं भी चीफ मिनिस्टर रहा हूं, आप भी रहे हैं, आप जानते हैं यदि केंद्र सरकार से यदि पैसा आने में यदि विलंब होता है तो कम से कम राज्य सरकार के पास इतना फंड होता है कि वह रेस्क्यू और रिलीफ वर्क के लिए वह चाहे तो अपने राज्य के खजाने से भी वह खर्च करती ही है. इस हकीकत से आप भी परिचित हैं और हम भी परिचित हैं. लेकिन अब तक हमारी सरकार आने के बाद इतना मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने कोई बहुत अधिक विलंब नहीं किया है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय लग गया हो. कश्मीर का जहां तक सवाल है, कुछ असिस्टेंस हम लोगों ने पहले दिया था, हम लोगों ने बाद में जो सहायता
काश्मीर के लिए उपलब्ध कराई है वह तो एक अलग की सहायता है, जो कि पहले चर्चा चली आ रही थी, कई बार स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कशंस हुए थे कि हाँ किस प्रकार की असिस्टेंस की और ज़रूरत है। हाँ, वो तो दूसरे दिन ही रिलीज कर दिया था जिस पर प्रधानमंत्री जी गए थे, और अभी अभी मुझे जानकारी यह प्राप्त हुई है, लेकिन मैं सदन से ये कहना चाहूँगा कि इसे ऑथेंटिक मैं नहीं मानता हूँ। वैसे जो सूचना अभी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, यदि आपकी इजाज़त हो उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने चेन्नई में जाकर वहाँ पर 1000 करोड़ रुपए की एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की उन्होंने अभी एक घोषणा की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी सम्मानित सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ। ओके, थैंक यू होम मिनिस्टर।